एक गांव के निकट एक घना जंगल। उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मारकर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर भी उसका शिकार बन जाते। उसके डर से अंधेरा होने के बाद से गांव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। एक दिन गांव के साहसी युवकों ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजड़ा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वे पिंजड़े को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। इधर पिंजड़े में बंद शेर ने पिंजड़े से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया, किंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वह थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक ब्राह्मण गुजरा। वह दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिर गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ब्राह्मण डरते डरते बोला, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा, मुझ पर विश्वास करें। शेर ने विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था, उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। यह देखकर ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सारा नजारा देख रहा था। वह शेर की धूर्तता से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है, आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है। पुजारी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव, जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजड़े में कहाँ समा सकता है, मैं तो ये मान ही नहीं सक। इस पर शेर बोला, ये बिल्कुल सच है, अपनी आंखों से देखे बिना मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता वनराज। बंदर शेर से बोला, मैं अभी तुम्हें इस पिंजड़े में जाकर दिखाता हूँ, कहकर शेर पिंजड़े के अंदर चला गया। लेकिन ये पिंजड़ा तो खुला है, आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते हैं, बंदर बोला। बंदर की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाजा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, जरा दिखाओ तो ये दरवाजा कैसे बंद था। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजड़े में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त शेर को यहीं बंद रहने दो, अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चलते बने। अगले दिन गाँव वालों ने आकर शेर का काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धूर्तता का परिणाम बुरा होता है। और अंत में हमारे इस चैनल एजुकेशनल राजू कुमार को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।